BTS और बढ़ते K-pop कल्चर की वजह से इंडियंस में साउथ कोरियंस को लेकर प्यार बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हो कि रिसेंटली ऐसे काफी सारे आर्टिकल्स और न्यूज हमारे सामने आए हैं जहां पर पता चला है कि साउथ कोरियन इंडियंस को बैन करते चले जा रहे हैं और उनके मन में इंडियंस के लिए काफी रेसिज्म है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है और क्या इसके बदले में हमें भी साउथ कोरियंस को बैन कर देना चाहिए या फिर नहीं, वो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो रिसेंटली कुछ ऐसी वीडियो सामने आई थी जहां पर कुछ कोरियन ब्लॉगर्स को इंडियंस ने छेड़ दिया था रोड पर और उनकी वीडियो में देखा गया था कि किस तरीके से उनको हैरेस किया गया, जिसके बाद ये बोला जा रहा था कि इस रीजन की वजह से साउथ कोरियंस इंडियंस को बैन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये फुल रीजन नहीं है, क्योंकि एक वीडियो में जहां एक कोरियन लड़की को किसी इंडियन लड़के ने परेशान किया था, वहां पर एक इंडियन लड़के ने आकर ही उस लड़की को उसी वीडियो में बचाया था। अगर ये रीजन होता तो उन्हें साफ साफ दिख जाता कि इंडियंस इतने बुरे नहीं है। सबसे पहला रीजन ये है कि साउथ कोरियंस इंडियंस के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, क्योंकि पहले साउथ कोरिया में इतना टूरिज्म नहीं था और वो बाहर की कंट्रीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। दूसरा और सबसे बड़ा रीजन है साउथ कोरिया का ब्यूटी स्टैंडर्ड, और सिर्फ इंडियंस के लिए ही नहीं बल्कि बाहर बहुत सारे लोगों के लिए। वो इसी चीज को सोचते हैं कि बाहर के लोग इतने सुंदर नहीं दिखते, उनका फैशन सेंस उतना अच्छा नहीं है, और स्पेशली इंडियंस का जो कलर होता है ना वो थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन में होता है, इसीलिए साउथ कोरिया के लोगों को वो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। और इसमें कहीं ना कहीं साउथ कोरिया लोगों की गलती भी नहीं है, उनके दिमाग में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इतने ज्यादा घुस चुके हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई खूबसूरत नहीं है तो वो इंसान बुरा है और उसको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। और इंडियंस तो क्या, खुद साउथ कोरियंस ही इस चीज का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर खुदकुशी का रेट भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं हो पाते और फिर उनको अपनी जान लेनी पड़ जाती है, क्योंकि उन्हें वहाँ नौकरी नहीं मिलती, उनके दोस्त नहीं बनते और कई सारे रीजंस हैं इस तरीके के। लेकिन स्पेशली इंडियंस को साउथ कोरियंस काफी बुरा समझते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लिटरेसी रेट बहुत कम है, और इसलिए इंडियंस छोटे मोटे काम करने के लिए साउथ कोरिया जाते हैं, और जिसकी वजह से उनकी थिंकिंग इतनी ज्यादा खराब है। लेकिन धीरे धीरे साउथ कोरियंस इंडियंस को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। स्पेशली बात करी जाए अगर BTS की या फिर किसी भी K-pop आइडल्स की, तो वो कभी भी अपने किसी भी फैन को कम नहीं समझते, और BTS ने खुद इंडिया के बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें बोली हैं, जिससे पता चलता है कि उनको इंडिया के बारे में जानना काफी अच्छा लगता है। स्पेशली अगर और भी साउथ कोरियंस इंडिया के कल्चर के बारे में जानना चाहें तो उन्हें धीरे धीरे पता चलेगा कि इंडिया कितनी अच्छी कंट्री है, और ये करने के लिए काफी सारे साउथ कोरियंस कोशिश भी कर रहे हैं कि वो इंडियंस और बाकी कंट्रीज के लोगों को अपनाएं। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इंडियंस जो साउथ कोरिया में जाते हैं और रहते हैं, उन्हें डेली लाइफ में ऐसे डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म फेस करना ही पड़ता है। तो आर्मीज आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि हमें भी साउथ कोरियंस के साथ ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए या फिर नहीं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।